श्रेयस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर डिक्रिप्ट करने आया हूँ जो कि मुझे कमेंट किया था दिव्येश रामदेती ने। जो KRRU फाइल थी उसकी PDF डिक्रिप्ट हो चुकी थी, परंतु उसको JPG भी डिक्रिप्ट करनी थी, तो JPG में इसका डिक्रिप्टर यहाँ पर लाया हूँ। तो ये दिव्येश रामदेती ने मेरे को ये फाइल भेजी है जो कि उसको JPG की डिक्रिप्ट करनी है। तो मैं आपको फाइल दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर फाइल JPG और KRRU यहाँ पर इनक्रिप्ट हो चुकी है। देखो यहाँ पर KRRU में ये इनक्रिप्ट है। इसका PDF ओपन हो चुका था पर ये JPG पर ओपन नहीं हो रहा था, तो उसको JPG का भी फाइल रिकवरी चाहिए था, यानी कि डिक्रिप्शन चाहिए था। JPG का भी डिस्क्रिप्ट करना था जो फाइल, तो मैं यहाँ पर इसका वीडियो आपके सामने लाया हूँ। तो दिव्येश ने मुझे ये फाइल भेजा है, दिव्येश रामदेती। तो मैं यहाँ पर आपको फाइल ओपन करके दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पर तो ये कैन नॉट रीड फाइल जो कि करप्ट होती है, उस फाइल में ये मैसेज आ रहा है कि आपकी फाइल जो है वो रीड नहीं कर पा रही है और ये फाइल फॉर्मेट है वो सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसा मैसेज हमारे सामने यहाँ पर प्रेजेंट हो चुका है। तो मैं आपको वही मैसेज फिर से यहाँ पर, पेंट कैन नॉट रीड दिस फाइल, नोट ए वैलिड बिटमैप फाइल और फॉर्मेट इज करेंटली सपोर्टेड। तो ये यहाँ पर फाइल ओपन नहीं हो रहा है। तो मैंने पहले ही एक वीडियो इस पर बना चुका हूँ, तो उसकी कमेंट से ही ये आज मैं इसका JPG डिक्रिप्ट फाइल लेकर आया हूँ आपके सामने। तो मैं यहाँ पर KRRU डिक्रिप्ट फोल्डर जो है उसको ओपन करूँगा यहाँ पर, और हमको यहाँ पर JPG डिक्रिप्ट करना है। ये JPG फाइल है सारी, तो JPG डिक्रिप्ट करना है। तो मैं यहाँ पर JPG जो KRRU JPG डिक्रिप्ट फाइल है इसको मैं यहाँ पर से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो ये फाइल हम को यहाँ पर यूज़ लेनी है इसको डिक्रिप्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर HXD टूल्स यूज़ करूँगा। JPG की फाइल उसमें नहीं थी, तो यहाँ पर JPG की फाइल मैंने ऐड कर दी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं JPG की फाइल भी दे दूँगा। HXD टूल्स को ओपन करेंगे हम यहाँ पर, और ये तीनों फाइल डिक्रिप्ट करनी है, और तीनों के तीनों फाइल को हम ड्रैग एंड ड्रॉप HXD में कर लेंगे। तो यहाँ पर तीनों तीन फाइल यहाँ पर लोड हो चुकी है। अभी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे टूल्स ऑप्शन को, फाइल टूल्स में जाएंगे और कंकेटेंट ऑप्शन में जाएंगे यहाँ पर, और एड ऑप्शन के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पर KRRU जो डिक्रिप्ट फाइल है वो पहले सिलेक्ट करेंगे, वो एड देकर हमारा दूसरा फाइल सिलेक्ट करेंगे। दोनों फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर हमको क्लिक करना है जो 3 डॉट है नीचे वहाँ पर, और यहाँ पर हम इसको जो भी हमको नाम से सेव करना है 123.jp और जी, यहाँ पर मैं सेव कर दूँगा और इसको ओके कर दूँगा। तो ये पहला फाइल हमारा यहाँ पर आ चुका है जो कि डन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे उसका प्रीव्यू सामने दिखाई दे रहा है। मैं आपको सारी फाइल ओपन करके दिखाऊंगा, पहले हम इसको डिक्रिप्ट कर लेते हैं, बाद में एक साथ में हम दिखा देंगे आपको कि सारी फाइल कम्प्लीटली डिक्रिप्ट हो चुकी है, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। सेम दूसरी फाइल यहाँ पर सिलेक्ट कर ली मैंने। यहाँ पर टूल्स में जाना है, फाइल में सेम वही ऑप्शन कॉन्कटेंट एड फाइल डिक्रिप्ट का जो फाइल है वो JPG, और हमारा जो फाइल है 8 वाला फाइल हमने पहले लिया था, अभी ये 16 वाला है, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और 3 डॉट में जाके यहाँ पर हम इसको 456.jpg ओके कर देता हूँ यहाँ पर, और इसको भी ओके करूँगा। देखो सामने यहाँ पर लोड आपके सामने ही डायरेक्टली हो गई ये फाइल जो हमने 456 नाम से यहाँ पर सेव कर लिया है। तो मैं यहाँ पर इसको तीसरी फाइल को भी करूँगा जिसका नंबर है ये 0016 वाला और ये 0019 वाला। तो यहाँ पर
उसको हम फाइल में फिर वही स्टेप यूज़ करेंगे, डिक्रिप्ट एड रिलास्ट वाला 19 नंबर का सिलेक्ट करेंगे। थ्री डॉट में से हम नाम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर 789.jpg। ओके ओके, आपके सामने देखो यहाँ पर ये यह फाइल में आ गया है जो हमने तीनों के तीनों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तीनों तीनों फाइल यहाँ पर आ गई है। तो मैं आपको यहाँ पर इस HXD टूल्स को अभी क्लोज कर देंगे क्योंकि इसका काम कंप्लीट हो चुका है। तीनों तीन फाइल हमारी यहाँ पर ओपन हो चुकी है जो कि हमारे सामने प्रीव्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये जो हमारी इनक्रिप्ट फाइल है यहाँ पर प्रीव्यू नहीं दिखाई दे रहा है, इसका प्रीव्यू नहीं है। क्लोज कर दूंगा मैं यहाँ पर। देखो मैं आपको ये तीनों तीन फाइल यहाँ पर एक एक करके ओपन करके दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो ये ओपन किया और ये लोड होकर ओपन हो चुका है। ये पहला फाइल ओपन हो गया है कम्प्लीटली। यहाँ पर से नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट फाइल भी ओपन हो चुका है, ये नेक्स्ट किया, तीनों के तीनों फाइल हमारे यहाँ कम्प्लीटली ओपन हो रहे हैं। तो ये तीनों तीनों कम्प्लीट JPG वर्क यहाँ पर हमारा रिकवर हो चुका है। तो आप इस फाइल की मदद से अपना जो KRRU एक्सटेंशन है उसकी JPG फाइल रिकवर कर सकते हो। और ये मस्त तो DVS रामदेती की फाइल जो थी उसको मैंने डिक्रिप्ट कर लिया है, तो उसकी तो सारी की सारी फाइल हो ही जाएगी। आप सब भी ट्राई कीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए। मैं मेल एड्रेस मेरा डिस्क्रिप्शन में हमेशा दे देता हूँ ताकि आप सबको हेल्प मिले, और मैं सबको सपोर्ट करता हूँ। तो बेझिझक मुझे आपका जो भी इनक्रिप्ट फाइल हो वो उसका सैंपल फाइल और उसकी रीडमी नोट फाइल हो तो अगर रीडमी नोट फाइल दे दो तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि रीडमी नोट फाइल में उसका पर्सनल ID रहता है तो बहुत कम लगता है कि जो कि डिक्रिप्ट के लिए हेल्पफुल होता है, तो उसकी वजह से ये बहुत बढ़िया रहेगा डिस्क्रिप्शन करने में, डिक्रिप्ट करने में। तो हम आसानी से उसकी हेल्प से कहीं फाइल को डिक्रिप्ट कर सकते हैं, तो उस लिए रीडमी फाइल थोड़ा ज़रूरी है। तो इसके लिए अभी इतना ही, गुड बाय, टेक केयर और ऑल द बेस्ट।